चलिए, अब ये सॉल्ट एनालिसिस का ग्रुप नंबर टू है ना, ये हमको देखना है ना। तो ग्रुप नंबर टू जो है, इसका टेस्टिंग अपन कहाँ करेंगे? तो हम बोलते हैं ग्रुप नंबर टू का जो टेस्टिंग होता है, ये किस में होता है? दैट इज इन फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। सॉल्ट एनालिसिस का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपन ने वीडियो वन में देख लिया था, है ना। अब कौन सी चीज होगी इसमें? तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट होता है, इसमें हम किसको मिलाते हैं? दैट इज ग्रुप रिएजेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो हमने बोला था दैट इज H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, है ना। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट इज व्हाट? सो वी से इट इज H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। यहाँ पे हमने HCl जो था इसको डालने की वजह क्या थी? तो हमने बोला था कि HCl जो है इसको डालने की जो वजह होती है, ये होती है कि कॉमन आयन इफेक्ट से ना क्या करेगा, H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। और H2S का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा? विल बी सफिशियंटली लो कि सिर्फ सेकेंड ग्रुप के, मतलब ऐसे वाले मेटल कैटाइन जिनके सल्फाइड्स के केस भी लो होते हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रेसिपिटेशन हो पाएगा। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब यहाँ पर जो कैटाइन्स आते हैं, है ना, थोड़ा बोर्ड पे वो रिफ्लेक्शन की वजह से कम भी दिख सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझते जाना ना। इस ग्रुप में कैटाइन्स का नंबर थोड़ा ज्यादा है ना, टोटल 9 कैटाइन्स होते हैं यहाँ पर, है ना। इट इज Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, देन इट इज Bi3 पॉजिटिव। ये सब जो होते हैं ये किसके होते हैं? दैट इज सेकेंड ए के होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 10+2 एंड +4, और उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी दैट इज +3। तो ये टोटल यहाँ पर क्या रहेंगे? दैट इज 9 कैटाइन्स होते हैं, है ना। क्या बोला? इट इज Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, है ना। ये पांच जो है ये किसके? दैट इज सेकेंड ए, है ना। सेकेंड बी में कौन कौन से होंगे? इट इज 10+2 एंड +4, और उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनके +3 होते हैं। समझ आ रही बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये कैटाइन्स हैं? हमने क्या करा है? फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप में किसको डाला? जब डाइल्यूट HCl एंड H2S को, तो यदि सेकेंड ग्रुप के कैटाइन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? इस रिएजेंट के साथ वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। प्रेसिपिटेट किसका बन जाएगा? दैट इज ऑफ सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन गया, है ना। अब क्या होता है इसमें? तुम बोलेंगे इट इज HgS, PbS एंड CuS, इनका सबका क्या होता है? दैट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है ना। इट इज HgS, PbS एंड CuS, ये ब्लैक होता है। Bi2S3 जो होता है इसको भी ब्लैक, या क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली ब्राउनिश ब्लैक होता है, ठीक है ना। Bi2S3 जो रहेगा ये भी क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे दैट इज स्पेसिफिकली ब्राउनिश ब्लैक होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलते हैं? ये जो CdS होता है, SnS2 होता है और As2S3, ये तीनों क्या रहेंगे? दीज आर येलो, है ना। इट इज CdS, SnS2 एंड As2S3, ये क्या रहेंगे? दीज आर येलो प्रेसिपिटेट। समझ आ गई बात ये, है ना। उसके बाद बाकी सब के अलग अलग होते हैं ना। जैसे इसका Bi2S3 का ब्राउनिश ब्लैक बोल लिया था, SnS जो होता है वो क्या रहेगा? ब्राउन होता है, और Sb2S3 जो होता है ये क्या रहेगा? दैट इज ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर ये, है ना। तो इट इज PbS, HgS एंड CuS, ये तीन क्या हैं? दीज आर ब्लैक। इसके बाद फिर CdS, SnS2 एंड As2S3 क्या होते हैं? दीज आर येलो। Bi2S3 क्या रहेगा? इट इज ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है। SnS जो होता है वो क्या रहेगा? दैट इज ब्राउन होता है, और Sb2S3 जो रहेगा वो क्या होता है? दैट इज ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। समझ आई बात ये, है ना। अब जैसे हमने बोला था ये शुरू में जो पांच नाम हमने बोले थे, ये जो सल्फाइड्स होते हैं दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंड ए, ठीक है। और जो बाद वाले चार होते हैं दीज बिलोंग टू व्हाट? कैटेगरी ऑफ सेकेंड बी, ठीक है। तो अब अगली चीज जो हम समझेंगे वो कौन सी? कि इनका सेकेंड ए और सेकेंड बी में ये जो सब डिविजन होता है, इस सब डिविजन का बेसिस क्या है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं? ये सेकेंड ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट बना था है ना ग्रुप रिएजेंट डालने से, दैट इज डाइल्यूट HCl एंड H2S, ठीक है। इस प्रेसिपिटेट का एक छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं किसमें? दैट इज इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे किसको? तो हम बोलते हैं दैट इज अमोनियम सल्फाइड, और इट इज व्हाट? दैट येलो अमोनियम सल्फाइड, है ना। क्या मिलाया जाएगा? तो हम बोलेंगे इट इज वी टेक व्हाट? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन दैट टेस्ट ट्यूब व्हाट वी आर मिक्सिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट इज अमोनियम सल्फाइड और द येलो अमोनियम सल्फाइड, फाइन। अमोनियम
सल्फाइड या एल्युमिनियम सल्फाइड में यदि प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ए हो जाता है। ठीक है, सेकेंड ए की प्रेसिपिटेट बता ही चुका मैं आपको कौन कौन है, HGS, PbS, CuS, CdS एंड Bi2S3, ऑल ऑफ दीज द बिलोंग टू व्हाट दैट सेकेंड ए, मतलब ये अमोनियम सल्फाइड या एल्युमिनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि बचे हुए चार जो रहेंगे दैट इज टिन के दोनों SnS एंड SnS2 और As2S3 और Sb2S3, ठीक है, ये वाले जो सल्फाइड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, हम बोलेंगे ये एल्युमिनियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल हो जाते हैं। समझ आती बात ये, तो ये बिलोंग करेंगे किसको, दैट इज सेकेंड बी को, है ना। अब ये क्या बनाकर डिजोल्व होते हैं, जैसे ये भी क्वेश्चंस के लिए काम की चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज आर्सेनिक जो होता है ये बनाता है, इट इज अमोनियम थायो आर्सेनेट। ठीक है, एंटीमोनी जो होता है वो क्या बनाएगा, इट इज अमोनियम थायो एंटीमोनेट, है ना। फॉर्मूला इज व्हाट, NH4O3 AsS4, एंटीमोनी वाले का NH4O3 SbS4। ठीक है, और टेन के दोनों प्लस टू एंड प्लस फोर ये दोनों ही क्या बनाते हैं, इट इज अमोनियम थायोस्टेनेट, दैट इज NH4O2 SnS3। समझ आ गई बात ये, ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे अपने, हम बोलेंगे इट इज अमोनियम थायो आर्सेनेट, अमोनियम थायो एंटीमोनेट और इट इज अमोनियम थायोस्टेनेट। ठीक है, तो ये बनाकर क्या हो जाते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली कि जो जो डिजोल्व हो गए ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, हम बोलेंगे दे आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट दैट सेकंड बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, तो बेसिक पूरा हो गया इसका। अब अपने को कौन सी चीज देखनी है, तो हम बोलेंगे अब इंडिविजुअल कैटायंस हमको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो पहले हम कौन सी चीज मानेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट था ये अमोनियम सल्फाइड या एल्युमिनियम सल्फाइड में सोल्यूबल हो गया था। ठीक है, तो यदि प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो गया मतलब क्या, दैट इज सेकेंड बी। ठीक है, तो सेकेंड बी का फर्दर टेस्टिंग हम देख रहे हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब सेकेंड बी के फर्दर टेस्टिंग में कौन सी चीज हम बोलते हैं, हम बोलेंगे जो प्रेसिपिटेट है कौन सा वाला, हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया था अमोनियम सल्फाइड टेस्टिंग के लिए, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जो बचा हुआ प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को हम डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसमें दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है इस प्रेसिपिटेट को ना हम डिजोल्व करेंगे कि इसमें दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आते समझ में, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ये प्रेसिपिटेट क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे सोल्यूबल भी हो सकता है और इनसोल्यूबल भी रह सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकेंड भी मानते हुए जब आगे हमने इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्टिंग की, तो उसमें हमने कौन सी चीज देखी, तो हमने बोला इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, ना क्या किया हमने, प्रेसिपिटेट को डिजोल्व करने की कोशिश की। यदि वो इनसोल्यूबल था तो वो किसका था, दैट वॉज As2S3 का येलो प्रेसिपिटेट था। समझा गई बात ये, अब यदि वो As2S3 का येलो प्रेसिपिटेट है तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वो येलो प्रेसिपिटेट आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड अमोनियम मॉलिब्डेट, है ना। क्या डाला हमने, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड अमोनियम मॉलिब्डेट। अब ये जो सोल्यूशन हमको मिल रहा है इसको हम क्या करते हैं, बॉइल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करवाने पर यदि क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज येलो प्रेसिपिटेट या कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, तो दिस कन्फर्म्स व्हाट दैट आर्सेनिक। ठीक है, और ये जो येलो या कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आएगा, ये आएगा किसका, इट इज अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट का। ठीक है, है ना, ये प्रेसिपिटेट किसका आएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट। आया क्या समझ में, फॉर्मूला इसका सिंपल ही होता है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट होता है तो फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक आ जाएगा बस, तो इट इज अमोनियम आर्सेनेट डॉट 12MOO3, तो इट इज NH4O3 AsO4 .12MOO3, नहीं इसका आता है ना कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। समझ आ गई बात ये, ये एग्जैक्टली सा कैसे ही एनायन डिटेक्शन जब हम फॉस्फेट का करेंगे तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनता है, एंड दैट अगेन इज ऑफ द सेम कलर ओनली। आई बात समझ में अच्छे से ये, ठीक है, तो क्या बोला था हमने कि प्रेसिपिटेट यदि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इनसोल्यूबल है तो किसका है, As2S3 का येलो प्रेसिपिटेट है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए मिलाया हमने किसको, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉलोड बाय अमोनियम मॉलिब्डेट, इसको बॉइल करके ठंडा होने के लिए छोड़ा तो हमको क्या मिला, इट इज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट। आया समझ में, ठीक है। अब कौन सी चीज हम बोलते हैं कि दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता था,
हम बोलते हैं कि जो प्रेसिपिटेट है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेल में डिजोल्व भी हो सकता था, ठीक है। तो आर्सेनिक तो इनसोल्यूबल था, तो सोल्यूबल कौन कौन हो सकता था, हम बोलेंगे इट इज 10 के दोनों सल्फाइड और एंटीमनी का एक सल्फाइड, ठीक है। तो एंटीमनी और 10 ये क्या कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे अपने अपने क्लोराइड्स बनाकर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। एंटीमनी और 10 ये अपने अपने क्लोराइड्स बनाकर डिजोल्व हो गए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर SbCl3, then it is SnCl2 and SnCl4। समझा गई बात ये, है ना। अब क्या किया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेल में प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो गया ऐसा मान लिया, ठीक है। और अब ये जो सोल्यूशन होता है इसमें फर्दर टेस्टिंग के लिए इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेल में ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल था, तो इस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसमें जो पार्ट वन होता है ना, इसमें हम मतलब दो पार्ट्स में इसमें एंटीमनी का कंफर्मेशन करेंगे और एक में 10+2+4 का एक साथ किया जाता है, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज की, जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें हम क्या डाल देते हैं, दैट इज SbIA, इट इज डाइल्यूशन विद वाटर कर देंगे हम, ठीक है। तो SbCl3 बना था, है ना, इसका पी ब्लॉक में अपन ने पढ़ा हुआ है, इसका जो अपन क्या करवाते हैं, दैट पार्शियल हाइड्रो मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है, दैट इज SbOCl का व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। हमने क्या बोला, इसका जब हमने फर्स्ट पार्ट का डाइल्यूशन विद वाटर किया तो क्या हो गया, तो हमने बोला इट इज SbOCl की व्हाइट टर्बिडिटी आ गई। समझ आ गई बात ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें क्या किया हमने, तो हम बोलेंगे इट इज NH4OH और H2S है ना। सेकेंड पार्ट में NH4OH एंड H2S डाला जाएगा, तो ये करवाने से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज Sb2S3 का ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो ये इसके एंटीमनी के दो कंफर्मेशन हो गए। अब क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में जो 10+2+4 होता है उनका डिटेक्शन एक ही जगह किया जाता है, इनको हम सेपरेटली डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो होता है उसमें पहले हम क्या करेंगे, इट इज आयरन डालकर हीट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, इट इज आयरन डालकर हीटिंग की, ठीक है। तो आयरन डालकर जब हम हीट करते हैं तो यदि उसमें SnCl4 होगा तो वो रिड्यूस होकर किस में आ जाता है, SnCl2 में आ जाता है, ठीक है। बट SnCl2 यदि है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आती बात ये। तो फाइनली आयरन डालकर हीट करने पर कौन सी चीज रहेगी वहां पर, तो हम बोलेंगे इट इज SnCl2 होता है। समझ आ गई बात ये। अब इस बार सोल्यूशन में हमारे पास SnCl2 है, तो ग्रुप वन में हमने क्या किया था, सॉल्यूशन में HgCl2 था, तो हमने बाहर से क्या डाला था, इट वॉज SnCl2। अब हमारे पास क्या है, तो हमने बोला इस बार सॉल्यूशन में SnCl2 है, तो हम बाहर से क्या डालते हैं, दैट इज HgCl2। तो क्या बन जाएगा, पहले तो हम बोलेंगे Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, जो बाद में Hg के ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। तो थर्ड पार्ट में हमने पहले आयरन डालकर हीटिंग की, तो उससे SnCl4 हो तो SnCl2 में आ जाएगा, और SnCl2 यदि था तो SnCl2 में ही रुका रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हम बोला हम बाहर से भी इसमें HgCl2 डाल देते हैं, तो ये करवाने पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है पहले, जो बाद में किस में बदल जाएगा, Hg के ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में इस तरीके से क्या हो जाता है, दैट इज 10 का डिटेक्शन हो जाता है। क्लियर हुआ ये, है ना। हमने बोला था कि सेकेंड बी में कौन से कैटायंस आए, तो हमने बोला जिनके सल्फाइड्स की क्या थी, अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबिलिटी, ये अपने अपने अमोनियम थायो आर्सेनेट एंटीमोनेट एंड स्टेनेट बनाकर सोल्यूबल हो गए थे, ठीक है। फिर ये मानते हो हमने फिर फर्दर स्टडी की थी, हमने प्रेसिपिटेट को कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेल में डिजोल्व करने की कोशिश की थी, यदि वो नहीं हुआ था तो वो आर्सेनिक का था, फर्दर कन्फर्मेशन के लिए उसी ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉलोड बाय अमोनियम मोलिब्डेट डाला था, ठीक है। फिर हमने इसको करने पर हमको क्या मिला था, तो हमने बोला गर्म करके ठंडा किया तो हमको कैनरी येलो प्रेसिपिटेट मिला था, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि यदि ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाए तो वो एंटीमनी और 10 का होगा, जो अपने अपने क्लोराइड्स बनाकर सोल्यूबल होते हैं। इस सोल्यूशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, फर्स्ट पार्ट का डाइल्यूशन विद वाटर, तो उससे हमको क्या मिल गया था, SbOCl की व्हाइट टर्बिडिटी। सेकेंड पार्ट में NH4OH एंड H2S डाला था, क्या मिल गया था, Sb2S3 का ऑरेंज प्रेसिपिटेट। और थर्ड पार्ट जो था उसमें हमने क्या डाला था, पहले आयरन डालकर हीट किया, उससे SnCl4 SnCl2 में आ जाएगा, SnCl2 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके ऊपर बाहर से हमने क्या डाला था, दैट HgCl2, तो
पहले Ag2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बाद में Hg के ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो दिस ऑल वाज व्हाट सेकंड बी है ना। तो थोड़ा लंबा हो गया है, अब अपन एक ब्रेक लेके फिर नया वीडियो जो रहेगा उसमें सेकंड ए देखेंगे।